दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़ने के पांच ऐसे जबरदस्त ट्रिक, जिसे जो नहीं याद कर पाता है, जिसे भूल जाता है या जिसका ध्यान नहीं करो नहीं वो पता है और पढ़ने में मन नहीं लगता है, उस सभी का समाधान हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि जो इस वीडियो को तो वही देखेगा, इसको पढ़ने का इच्छा है, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में मन नहीं लगा पाता है, याद नहीं हो पाता। ठीक है, तो जब इच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले आप दूसरों को दोस्त हो ना, जो दूसरे को आप लोग दोष देते हैं कि मेरे बीच में ये समस्या है, उसको देना छोड़ दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, मुझे घर में व्यवस्था नहीं है पढ़ने के लिए। तो कोई व्यवस्था नहीं होता, हर चीज का कोई व्यवस्था नहीं होता, व्यवस्था खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि टीचर अच्छे नहीं है, मेरे को तैयार नहीं कराते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, टेस्ट नहीं लेते हैं, वो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, आपको अपने से सब कुछ करना पड़ेगा। तो करना दोष किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के, खुद से व्यवस्था रख के, खुद से पढ़ाई करने में मन लगाना है, जबरदस्ती लगाना है, क्योंकि आप चाहते हैं ना पढ़ना। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यही आज मैं उस पांच ट्रिक्स को बताने वाला हूँ, जिसको आप जो है जिसको व्यवस्था नहीं मिल पाता, जिसको ये नहीं कर पाते, वो सभी अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो चलता हूँ मैं ट्रिक्स बताने। पहला ट्रिक्स क्या है, तो पढ़ने का आदत डालना। पढ़ने का आदत डालने का मतलब क्या है, तो ना ही याद करना और ना ही क्या जो है टेंशन लेना कि याद नहीं हो रहा है ना, क्योंकि याद करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को आधा घंटा तक याद करते रह जाते हैं, कंप्लीट भी नहीं हो जाता है। सिंपल माइंडेड वालों का हाल ज्यादा यही होता है, ज्यादा जो माइंडेड रहते हैं वो जो बात याद एक बार में निकलेगा खत्म, लेकिन उनका भी उतना क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो करेंगे आप पढ़ने का आदत डालें, क्या पढ़ने का आदत डालें, मान लीजिए मैथमेटिक्स बनाते हैं तो वो तो सिंपल है, वो तो वैसे ही ध्यान खींचे रहता है ना हर वक्त, लेकिन आप जब अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ने वाली चीजें हैं उसे जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ध्यान इधर उधर हो जाता है या याद नहीं हो पाता, कितना भी पढ़ते हैं समझ में आता नहीं बात क्या कह रहा है, कुछ शब्द प्रॉब्लम है, शब्द नहीं समझ में आते हैं, इस तरह मैं क्या पढ़ूं, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, पढ़ने का आदत डालना है। एक बार पढ़िए, दो बार, एक बार पढ़ेंगे, अब याद करने के टेंशन मत, एक मुझे याद करना है, क्या करना है आपको, पढ़ते जाना है, टारगेट रखिए कि इसको मैं आज पढ़ के खत्म कर दूंगा, बस इतना टारगेट रखिए। क्या होगा कि एक बार ये टारगेट पूरा कीजिएगा तो आपको एक नंबर या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी बार आप उसको दोबारा कीजिए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ने के बाद आपको क्या होगा कि जितने भी दो नंबरिया है या अदर नंबर सब्जेक्टिव है ना, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और जो तीन बार पढ़ लीजिएगा आपको, तो जो लॉन्ग है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि यार इतना तीन बार कौन पढ़ जाएगा, तो बेवकूफ है, तीन बार पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करेगा, तो मैं उससे तो अच्छा ही है जो एक क्वेश्चन को मैं आधा घंटा बर्बाद किया जाकर में, उससे अच्छा है कि मैं तीन बार पढ़ूंगा तो मुझे सारे याद भी हो जाएंगे, क्योंकि भूलेगा भी नहीं, मेरा ध्यान भी हो जाएगा और क्या कहा जाता है कम, मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, पूरा खत्म कर दिया मैंने, पढ़ लिया है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ, तो इस बात को समझने की कोशिश की थी, यही सही है ना। याद करने से कभी याद नहीं होता, क्योंकि याद किया हुआ चीज बार बार भूल जाना, क्योंकि आप उसे याद करने की दृष्टि से याद देख रहे हैं ना कि उसे समझने की दृष्टि से, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, याद कीजिए, आपका ध्यान भटक जाएगा, आप पढ़ पैंट पढ़िएगा तो इधर उधर ध्यान चला जाएगा, कभी बगल पे टीवी पे चला जाएगा तो बगल पे सामने पे चला जाएगा, है ना, तो किसी फिगर पे चला जाएगा, किसी का याद आने लगेगा, ऐसा ही होता है। तो उस स्थिति को दूर करने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि आप एक पेन ले लीजिए, पेन को लेकर जिसको पढ़ रहे हैं उसके एक एक अक्षर को मिला के पढ़िए, इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा, आप उस शब्दों पर ही सोचेंगे, ना इधर उधर ज्यादा ताकेंगे, ना इधर उधर सोचेंगे, और उसे पढ़ते जाएंगे, उस तरह आपका टारगेट भी फिक्स हो जाएगा, पूरा का पूरा पढ़ जाएगा। ऐसा करके देखिए, मैंने करके देखा है, जितना भी मैंने प्रैक्टिकल किया वो सर आपको बता रहा हूँ, ऐसा करने से मैं एक घंटे में कई सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला करते। ठीक है, सोचिए कितना फायदेमंद चीज है ऐसा करने से, फिर जरूर कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा, ध्यान इधर उधर नहीं हो पाएगा, आप क्या करेंगे कि एक और ध्यान देकर सारा पढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे खत्म हो गया। ठीक है, फिर से जरूर अपनाइए, एकदम सही बोल रहा हूँ, अपना के देखिएगा। अगला तीसरा है क्या कि मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि रात में पढ़ना सही होगा कि दिन में पढ़ना सही होगा, मैं बोलता हूँ कि तुम दिन में रात में कभी मत पढ़ो, बस अंधेरे में पढ़ो। क्या करिए आप, अंधेरे में पढ़िए, कैसे अंधेरे में पढ़ेंगे भाई, लाइट नहीं रहेगा तो एक लाइट होता है आपको पता होगा, वो जो केवल उतना ही जो रोशनी देता है जितना में आपका कॉपी किताब जो भी रखा है बस, तो उसे क्या कीजिए आप खरीद लीजिए, बहुत ही सिंपल सस्ता 100 मिलता ही, आप लोग जानते होंगे, उस लॉयल पेन को खरीद लीजिए और क्या कीजिए कि उसे पढ़ना आप लोग चालू कर दीजिए। अंधेरे कमरे में बैठकर पढ़ने से क्या होता है कि आपके जो अगल बगल के प्रतिबिंब है इमेज नहीं दिमाग में आते, केवल अंधेरा ही अंधेरा रहता है, जिस कारण हमारे दिमाग में फालतू चीज नहीं आते, तो उसे क्या होगा जितना दूर मेरे रोशनी है उतना ही चीज हमारे दिमाग में बैठेगा, है ना, ये साइंटिफिक है, ये जितना दूर में रखा गया है बस उसी का इमेज बनेगा, फालतू चीज चारों तरफ अंधेरा है कुछ बन नहीं पाएगा, इस कारण से क्या होगा कि बस हमें पढ़ाई का एक माहौल बन जाएगा, केवल अच्छा दिखाई देंगे, अच्छा दिमाग में छपेंगे, अच्छा याद रहेंगे, हर वक्त वो हमेशा भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेंगे।
इसे कई सारे फायदे, ये जबरदस्त ट्रिक है पढ़ने का अंधेरे में बैठकर। इससे क्या होता है कि आपको इधर उधर ध्यान भी नहीं जाता, इधर उधर ताकते भी है तो आपको केवल अंधेरा ही नजर आता है, फालतू इमेजेस नहीं बन पाते। हमारा आंख जो एक बार में लाखों चीजों को देखता है, लाखों चीजों को कन्वर्ट करता है, लाखों चीजों को समझता है, इसके आपसे कंफ्यूज रहता है कि क्या किसको याद रखना है किसको भूलना है ना। इसलिए इसका इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय अंधेरे में पढ़िए कि जितना दूर दिखाई देगा बस उतना ही आपको अच्छा ही दिखाई देगा, अच्छा ही दिमाग में रहेगा, आप भूलेगा भी। इससे बड़ा जबरदस्त ट्रिक नहीं है। और आप अंधेरे में बैठने से और फायदा क्या है कि अंधेरे में बैठकर पढ़ने से आपको उठकर इधर उधर जाने का मन नहीं करता है ना, जाए कैसे अंधेरा भाई। इसे ये भी फायदा मान लो तुम्हारा मन ही होगा तो इसको अनुभव पाएगा, जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीन ट्रिक हो गए, ये सबसे जबरदस्त ट्रिक है, करके देखिए, मैंने भी करके देखा, बहुत फायदा होगा इसे, जिससे आपका ध्यान एक और बना रहेगा और बहुत कुछ सभी चीजों से बचने का ये। और फिर क्या है कि अब चौथे ये चार ट्रिक हो गए ना, तीन ट्रिक हो गए, मैं चौथा ट्रिक की बात कर रहा हूँ। चौथा ट्रिक से क्या है कि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो केवल एक घंटे या आधे घंटा पढ़ पाते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा वो क्या करें, वो चाहते हैं कि मेरा सारा कंप्लीट भी हो, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो, कैसे वो कंप्लीट एक कर पा रहा हूँ, दिन भर में पढ़ रहा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो क्या करें कि अपने सारे सब्जेक्ट को खोल कर बैठ जाए, सभी को एक दूसरे के ऊपर रख के पास में बैठ जाए और वही पेन लेकर और टारगेट रखें कि मैं सभी में से एक एक करके इतना इतना क्वेश्चन देख लूंगा, इतना इतना पॉइंट पढ़ लूंगा। इस तरह का अगर टारगेट पूरा हो जाएगा आप सभी में से पढ़ भी लेंगे है ना, मोस्ट मोस्ट जो भी चीज मोस्ट आने वाला एग्जाम में चाहे जो भी आपको लगता है कि ये मोस्ट है इसी को देखिए, ज्यादा मत देखिए, ज्यादा देखने की जरूरत है, मैं आप जो चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस तरह करके देखिए, मैंने करके देखा, मैंने सारे एक घंटे में कई सारे अपने सारे किताबें पढ़ लिया और कई सारे क्वेश्चन लगभग सभी में से मेरे ख्याल से 80-90 क्वेश्चन मैंने कर लिए सभी में से। तो इससे बढ़िया ट्रिक क्या है ना, ध्यान एक और रहेगा टारगेट लेटिंग करके कि मैं सभी में से एक एक करके इतना इतना पढ़ लिया, 5 मिनट 5 क्वेश्चन इसमें से देखा, तुरंत 5 में से इसे देखा, 5 में से इसे देखा। और मनोरंजन के लिए क्या करना चाहिए कि आपको हर एक कठिन सब्जेक्ट के बाद एक सरल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जैसे हिंदी कोई कहानी वाला सब्जेक्ट है ना, जिससे मजा आ जाए सुनकर, फिर आनंद से मग्न हो जाए दिमाग, तो वैसे लड़के होते हैं जो इसी को काम कर चलते हैं, अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जो ये ट्रिक्स है इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या किया जाता है कि आपको ध्यान को एक और किया जाता है। ध्यान को एक और करने का मतलब आपको ध्यान को एक और करने का आदत डालना है, रोज डालना है, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको पढ़ सके। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान जब एक और हो जाने की क्षमता आ जाती है तो कोई कितना भी भीड़ में बैठे रहे, कितना भी बगल में डीजे बजता रहो, कुछ भी होता रहे, आपके ध्यान को कोई गिरा नहीं सकता। आप जिसको लेकर बैठ गए उसको पूरा याद कर जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ है ना। इसे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं बताता बता देता हूँ आपको, ये इसे लीक होने का तरीका समझिए, ये क्षमता। कुछ लोग क्या करते हैं इसको देखे होंगे आप लोग, शांति मुद्रा में बैठकर आंख बंद करके एक बिंदु पर सोचना है ना, किसी एक पॉइंट को अपने आपके प्रतिबिंब इमेज बना के उसको देखते रहना, उसे ध्यान न हटाना। शुरू शुरू में आप करेंगे तो आपका ध्यान हटेगा, आप एक शब्द को भी बार बार सोचेंगे तब पर भी आपको ध्यान जरूर आएगा, लेकिन ये रोज रोज करते करते रहने से आपको एक और करने की आदत आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, याद। अब जब क्षमता आएगी तो एकाग्रता का क्षमता आ गया, जब एकाग्रता का क्षमता आ गया, एक होने की क्षमता आ गई, एक और होने की, तो आप कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी पढ़िए आपको कोई ध्यान भटका नहीं सकता। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद, जो 4 घंटे ऐसा किया करते थे शांत मुद्रा में बैठकर, जिस कारण से वो दिन भर में 10 से 11 किताब पढ़ जाया करते थे, मोटे मोटे हो गए। यानी कि वो ऐसे आप व्यक्ति थे, और उनसे पूछा गया कि आपके इतने किताब पढ़ने का क्या राज है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बस मैं प्राणायाम शांति मुद्रा में बैठकर वही प्राणायाम करता हूँ है ना, जो जिसको क्या पढ़ा जाता है, समझते होंगे आप लोग, तो उसे कर बैठकर मैं जो है करता हूँ 4 घंटे एक ध्यान मग्न होकर एक बिंदु पर सोचते रहता हूँ, जिस कारण से मैं ऐसा कर पाता हूँ, क्योंकि मुझको एक और अपने दिमाग को करने की क्षमता आ गई, मैंने दिमाग को एक और करने का पावर ला लिया, इस कारण से हो पाता है। तो और विश्वास नहीं होता हो रहा था किसी को, लेकिन जब उनसे किताब उलट कर पूछा जाता था तो वो सभी का सभी जवाब दे देते थे। तो सोचिए वो ऐसे व्यक्ति थे जो आपके सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ के सारा आपका एग्जाम क्लियर कर जाने लगे थे, एग्जाम में जबरदस्त नंबर ला देंगे, वो ऐसे व्यक्ति थे एक दिन में पढ़कर। तो वैसा बनने के लिए आप सोच समझ गए होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा करना नहीं समझ अच्छा लगता उनको है ना, कुछ लोग उसको आलस से दिखाते हैं, या कुछ लोग पूछने की कौन करेगा, मैंने कभी किया नहीं, कुछ लोग लाज के मारे नहीं करते ना लाज। तो ऐसा अगर चाहते हैं कुछ करना तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, सब करना जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ करना है ना, पढ़ना है, पढ़ के कुछ बढ़िया नंबर लाना है, मार्क्स लाना है, तो भाई करना पड़ेगा ये सब काम। अब बचा तुम्हारा लास्ट एग्जाम, तब करोगे तो करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम में जल्दी हमें तैयारी करना पड़ता है, शुरू से इसका आदत बनाना पड़ेगा, जब पढ़ाई स्टार्ट करने चालू हुई तभी से इस सबका आदत बनाना पड़ेगा। और क्या कहा जाता है कि इससे जबरदस्त ट्रिक है ना, कि सबका ट्रिक सबका भाव है, क्योंकि कोई कितना भी भीड़ में बैठ रहा हो सारा का सारा याद हो जाएगा। अब मान लीजिए सभी ट्रिक्स जबरदस्त है, सभी काम लायक है, कोई किसी एक को भी अपनाएगा तो आप जबरदस्त हो जाएगा पढ़ाई के मामले में, लेकिन समस्या क्या है कि कुछ लोग या आज के स्टूडेंट ढेले की तरह हो गए, पत्थर की तरह, इनको कितना भी समझा दो उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जैसे
एक मुर्गी का अंडा अगर हो तो उसे हम मुर्गी को दे दें तो वो मुर्गी उसे पाकर उसमें से बच्चा निकाल देगी, लेकिन पत्थर को दे दे तो कितना भी कोशिश कर जाए उसमें से बच्चा नहीं निकलने वाला है ना। या पत्थर का अंडा डिजाइन, पत्थर को अंडे की जैसा भी बनाकर सफेद लगाकर पेंट भी दे दें तब पर भी उससे निकलने वाला नहीं, क्योंकि वो तो पत्थर है ना। तो आज के स्टूडेंट का हाल ही वैसा हो गया, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो ठेले की तरह बस सुनते हैं, हाँ भाई सही बोल रहे हैं, बात तो एकदम राइट बोल आज करूंगा, लेकिन डाटू के वही हाल कर देते हैं। तो आप बात को समझे होंगे, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहते हैं कि मुझे पढ़ने में मन का याद नहीं होता, बट ध्यान भटकते रहता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, जो व्यवस्था को गाली देते हैं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, या नहीं व्यवस्था कुछ नहीं, तो व्यवस्था अपने आपको बनाना पड़ता है, पहले सबसे पहले अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। तो उन लोगों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो, जानकारी दुनिया भर की जो भी है, जो आपको समस्या लगता है उसको आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी वीडियो बनाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और क्या कहते हैं कि बस इतना ही है ना, तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट जरूर कीजिएगा जो समस्या आपको लगे।